सुगंधा का बलिदान एक मार्मिक कहानी। सुगंधा को इंटरव्यू देते समय हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह किसी पशुओं के मेले में हो। उस दिन का इंटरव्यू उसके लिए विशेष रूप से बुरा था। केवल के पीछे एक बुरा आदमी था जिसकी घूरती हुई आंखें उसे बेचैन कर रही थी। उसकी नजर से सुगंधा के दिल में एक अनजाना डर पैदा हो रहा था। नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने इंटरनेट पर कई विज्ञापनों को छान मारा, एक ऐसी उम्मीद में जो अब धुंधली होती जा रही थी। एक दिन जब उसने एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था आसान पैसे, उसका दिल अचानक से धड़क उठा। जब से राजेश की नौकरी गई थी, परिवार में हर दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सुगंधा ने तुरंत आवेदन भेजा, लेकिन जब उसने फिर से उस विज्ञापन को खोजा तो वह गायब हो चुका था। उसने राजेश को नहीं बताया कि उसने नौकरी के लिए आवेदन दिया है। उसे डर था कि अगर वह नौकरी ना मिली तो उसके बच्चों का क्या होगा। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, बस उन्हें सुरक्षित और खुश रखना चाहती थी। पहले इंटरव्यू में जब उन्होंने काम के बारे में बताया तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, तुम हमारे लिए एकदम सही हो, और प्रस्ताव उसके सामने रखा। लेकिन जब उसने देखा कि उसे कल से काम शुरू करना होगा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या मुझे पैसे पहले मिलेंगे, उसने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बूढ़ा हंसकर बोला, तुम्हारे खाते में पैसे भेजेंगे। लेकिन सुगंधा के दिल में संदेह था। उसने सोचा कि शायद उसके परिवार को उसकी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन क्या वह अपने बच्चों को इस तरह छोड़ सकती थी। रात बढ़ने पर सुगंधा को घबराहट होने लगी। उसकी मां बनने की प्रवृत्ति ने उसे सताया। सुबह डॉक्टर ने उसे अस्पताल का गाउन पहनने को दिया। वह गुप्त कमरे में गई जहां बूढ़ा लैपटॉप पर पैसे ट्रांसफर कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसके खाते में पैसे आ रहे हैं, उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। डॉक्टर ने कहा, दर्द नहीं होगा, तुम बस सो जाओगी, और उसने सुई लगाई। सुगंधा ने अपनी आंखें बंद कर ली, सोचते सोचते क्या उसका यह बलिदान उसके बच्चों के लिए सही था। डॉक्टर ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें दिल दान देने वाला मिल जाएगा। बूढ़ा बुदबुदाया, एक ऐसी औरत का दिल जिसने अपने बच्चों और पति के लिए खुद को बलिदान कर दिया। धन्यवाद सुगंधा। बस यही सुगंधा की उस विज्ञापन से प्राप्त नौकरी थी जिसने एक रात में उसके परिवार को अमीर बना दिया था, लेकिन उसके साथ एक अनमोल जीवन भी छीन लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।